चंबा शहर जो अपनी सांस्कृतिक विरासत पौराणिक धरोहरों को संजोने में विश्व प्रसिद्ध है, जिससे शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के धार्मिक मेले और त्योहार पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। इसी कड़ी में शुमार है चरपट नाथ महाराज से जुड़ा खिन्नू जातर मेला। चैत्र महीने की 20 तारीख को यानी 2 अप्रैल को इस खिन्नू जातर मेले का आयोजन चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में करवाया जाता है। माना जाता है कि चरपट नाथ को खेलों से बहुत ही लगाव था, यही वजह है कि आज भी चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान मैदान में जब चरपट नाथ से जुड़े इस खिन्नू जातर मेले का आयोजन होता है, उसके बाद ही चंबा में मेले और खेलों का आयोजन शुरू होता है। चंबा नगर में स्थित चरपट नाथ महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो पहले भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित चरट नाथ समाधि पर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से होती हुई चमेशनी के चंपावती मंदिर पहुंची। आज चरपट नाथ जी की खिन्नू जातर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सदियों पुरानी एक परंपरा है, जो कि राजा साहिल वर्मन के समय से चली आ रही है। उस समय 984 सिद्ध जब भरमौर आए थे तो राजा ने उनकी काफ़ी आवभगत की, काफ़ी सेवा की, क्योंकि राजा जो थे हमारे काफ़ी धार्मिक किस्म के राजा थे, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर चरपट नाथ जी उस समय 984 सिद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उन्होंने उनको प्रसन्न होकर उनको 10 पुत्रों व एक पुत्री का वरदान दिया। तब जब उनके वो पुत्री उनको प्राप्त हुई तो राजा ने चरपट नाथ जी को अपना राजगुरु मान लिया। और फिर जब वो चंबा आए, भरमौर से चंबा आए, राजधानी जब उन्होंने भरमौर से चंबा में स्थानांतरित की, उसके बाद माता चंपावती जी जब बड़ी हुई तो उनका स्वयंवर चल रहा था चौगान में, चौगान के अंदर, तो उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए गुरु महाराज भी आ रहे थे कुटिया से। उनके जो सर पे है वो जटाएं थी, जिस वजह से माता रानी उन्हें पहचान नहीं सकी, तो उन्होंने उनके उनके साथ साथ जो है बादल की टुकड़ी भी धूप में चल रही थी। तो माता रानी जी ने सोचा, माता चंपावती जी ने, कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है, तो उन्होंने मन में सोच लिया कि मैं इनको ही अपना वर मानूंगी, इन्हीं के साथ मैं अपनी विवाह करूंगी। तो उन्होंने उनके चरणों में केसर डाल दिया, और जब सिरगुंदी होने लगी तो महाराज जी अपने ध्यान से एकदम होश में, उन्होंने बोला, जी ये क्या हो रहा है? बोलते, महाराज जी आपकी शादी हो रही है, माता रानी ने आपको अपना वर मान लिया है। बोलते, ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी को माता पार्वती जी का श्राप था कि आपके पीछे एक मतलब औरत लगेगी, लेकिन शिवजी महाराज जी ने उनको टोक के कहा था कि ये, लेकिन उस चीज़ का ये भोग नहीं करेंगे। तो माता रानी ने बोला, अब मेरा क्या होगा? बोलते, आज से आप सती हो जाएंगी, और आने वाले समय में मेरे जो पीढ़ी के जितने भी मेरे बच्चे होंगे, वो इस दिन, उस दिन था चैत्र 20, मतलब 2 अप्रैल चैत्र 20, तो उस दिन में आपका मंदिर के रूप में, आपको देवी के रूप में पूजा जाएगा आने वाले समय में, और चैत्र 20 के दिन मेरी जो पीढ़ी के जितने बच्चे होंगे वो मेरी कुटिया से आपके लिए सुहागी वगैरह विवाह का जितना सामान होगा वो लेके आएंगे, आपको दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, तो ये हमारा जो विवाह है, अर्धविवाह है, वो पूर्ण माना जाएगा। इसी के साथ चरपट नाथ जी माना जाता है कि जो चंबा का जो हमारा ऐतिहासिक चौगान है उसमें खिन्नू यानी कि हैंडबॉल बच्चों के साथ आके खेला करते थे बालक रूप में, और वो जिस साइड, जिस टीम में वो होते थे, उस साइड की वो जो टीम है वो हमेशा जीतती थी। तब उनसे बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपका घर कहाँ है, आप आते कहाँ हो, आपके माता पिता कौन है? तब उन्होंने फिर जब वो कुटिया में इन सब सवालों से वो परेशान हो गए, तो उन्होंने राजा को कहा, राजा साहिब वर्मन को, कि अब समय आ चुका है कि अब मेरा जो चंबा में भी जो मेरा काम था वो पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आने वाले समय में बोलते, ये मेरे बच्चे मेरे बड़े प्रिय हैं, और ये जो ये खेल खेलते हैं ये भी मेरा बहुत प्रिय है, तो आपने इस खेल को आने वाले समय में भी इसी तरह खिलाते रहना है। इसलिए आज हम सबसे पहले ऊपर लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रतीक समाधि है चरपट नाथ जी की, वहाँ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के आगे माथा टेकेंगे, उसके बाद चंपावती माता के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे अर्घी स्वागी सारा कुछ चढ़ा के जो अर्ध विवाह की रस्म है वो पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से चौगान में जाएंगे, चौगान में बच्चों को खिन्नू यानी कि हैंडबॉल खिलाया जाए, जो हर वर्ष यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चरपट कुटिया से जो है
चौगान में यहाँ से जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो एक शोभा यात्रा के रूप में लेके जाते हैं, और वहाँ पे बच्चों को, क्योंकि चौगान वर्तमान में तो बंद होता है लेकिन आज के लिए विशेष रूप से, क्योंकि जोग जात्र भी इस माह में आप देख ही रहे होंगे कि लक्ष्मीनाथ जो मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ पे शाम को जोग जात्र का भी आयोजन किया जाता है। वहाँ पे नाथ संप्रदाय से जो है वहाँ पे योगी वहाँ पे बैठते हैं, और साथ में वहाँ पे साथ में जो इनका चरपन्नाथ जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, वहाँ से वो उनकी आरती भी होती है और इसे लक्ष्मीनाथ जी के साथ जोड़ा जाता है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे ये सुना है कि पुराने समय में भी इस किन्नू जात्र का किया जाता था, आयोजन किया जाता था, और मंदिर में, मंदिर परिसर में ही, क्योंकि पहले तो चौगान था नहीं, शाम सिंह के समय में इसको विस्तार किया गया, तो मंदिर क्षेत्र में ही एक छोटा सा मैदान था जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो चरपन्नाथ जी की पुरानी धोती होती थी उसका एक बॉल का शेप देकर खिन्नू बनाया जाता था, और उसका राजा की मौजूदगी में इस खिन्नू जात्र का आयोजन किया जाता था। वर्तमान में भी नाथ संप्रदाय के लोगों ने इसे इतने वर्षों से इस परंपरा को जारी रखा है, तो हर वर्ष की तरह आज भी इस किन्नू जात्र का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे कोई ऐसा कोई लॉजिक होगा मनाने का, किन्नू जोग मेला। ये मेन यही है कि ये चरपन्नाथ और जो साहिल बर्मन का और लक्ष्मीनाथ मंदिर के साथ उनके जो उनकी प्रेरणा से ये बनाया गया, ये उसी चीज को ये हमारे सामने लाता है कि उनके प्रति राजा की कितनी अगाध श्रद्धा रही होगी उस वक्त। ये एक एक तरह का, जिस तरह से यहाँ पे एक प्रतिमा भी है पुरानी 1982 की, यहाँ पे एक ट्रॉफी रखी है, उस पे हैंडबॉल जो प्रतियोगिता का भी सिंबल बना हुआ है ऊपर। तो कुल मिलाकर ये इसको हैंडबॉल की तरह आजकल के युग के जो हैंडबॉल से मिला जाए से मिला है। वही जैसे खिन्नू, पुराने समय में खिन्नू का वही पैटर्न है जो वर्तमान में हम हैंडबॉल के रूप में लेते हैं। तो ये 1982 की आपने बात की है, उस वक्त मैं भी चौगान में जहाँ पे ये प्रतियोगिता का आयोजन किया, शायद आप भी वहीं पे थे, आपने उसको कवर भी किया था। तो उस समय क्या होता था कि 8-10 टीमें इसमें भाग लेती थी, और एक जैसे बाकी स्पर्धाओं की तरह धूमधाम से इसे मनाया जाता था। लेकिन वर्तमान में, क्योंकि इसके लिए फाइनेंस मतलब वित्त की जरूरत भी होती है, तो संप्रदाय वाले इतना इसको कर नहीं सके और वर्तमान में ये नहीं किया जाता, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में इसे वर्तमान में खिन्नू जात्र के रूप में आयोजन करने का प्रयास किया जाता है। आज चरपन्नाथ महाराज जी के जो जात्र है उसका विधिवत पूजा अर्चना हो रही है, और जो बाबा चरपन्नाथ जी थे वो चंबा रियासत के राजगुरु थे, और जो सिद्ध, जो 84 सिद्धों में उनका नाम आता है, और जब चंबा स्थापना हुई और जब चंबा को बसाया गया तो बाबा चरपन्नाथ जी के आदेश पर ही यहाँ जो चंबा शहर के लिए अनुष्ठान हुए और उसको विधिवत बसाया गया, और यहीं वो रहे और राज परिवार और अन्य लोगों के साथ वो बच्चों के साथ क्रीड़ा करते थे, उसी को आज जिसको बोलते हैं एक खिन्नू जात्र। और बॉल जो है वो खेली जाएगी अभी लक्ष्मीनाथ नारायण मंदिर में, इसकी पूजा अर्चना के बाद वहाँ चमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना होगी, और उसके बाद चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इस क्रीड़ा खिन्नू का आयोजन किया जाएगा। बाबा चरपन्नाथ जो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और उनकी बहुत मान्यता है, सनातन की ये खूबी है कि यहाँ कोई हर दिन कुछ ना कुछ त्योहार या उत्सव मनाए जाते हैं, और हमारा संस्कृति, हमारी विरासत इतनी व्यापक है कि हर स्थान, हर काल में और हर जगह में कुछ ना कुछ होता है। हम बड़े बड़े उत्सव पर्व मनाते हैं लेकिन ये जो छोटी, जिसको एक कालांतर में इसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता, लेकिन अभी कुछ लोगों का इसके बारे में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और मैं सभी चंबा वासियों से करवट प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो रीति रिवाज है और जो चंबा के अपने उत्सव है और जो छोटी जात्रा है उनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, और
अपने बच्चों आने वाली पीढ़ी को ये विरासत सौंपे, तभी हम अपनी परंपरा अपनी विरासत को बनाए रखेंगे। मैं हिंदू जातर की बाबा चरणनाथ जी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय बाबा चरणनाथ। से आपको मालूम है कि चरणनाथ की जातर 2 अप्रैल को होती है और चरणनाथ जी का स्पोर्ट के साथ बहुत पुराना संबंध है। हमें बताया गया कि स्टेट टाइम के अंदर भी जब भी कोई स्टेट दो सॉरी ये जो अपनी आ जातर होती इसके बाद जो होती है चंबा के अंदर स्पोर्ट शुरू होती है। और आपको ये भी मालूम होगा हमने उसी परंपरा को रखा, जब भी हमारी टीमें बाहर खेलने जाती है तो पहले हम चरणनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, और जब वहाँ खेलने जाते हैं तो भिन्न भिन्न जिलों के जो खिलाड़ी होते हैं अपने देवताओं को वहाँ पर नारे लगाते हैं। तो चंबा की टीम हमेशा सबसे यही होता है चरणनाथ की जय। तो आप समझ जाते हैं ये जो टीम है ये चंबा की है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो इनका आशीर्वाद लेते हैं, और जब हम जीत के वापस आते थे तब भी अपना ये जो है चरणनाथ जी का आशीर्वाद लेते थे। ये परंपरा बड़ी पुरानी स्टेट टाइम से चली हुई है, हमने इस परंपरा को कंटिन्यू रखा हुआ है। अब भी अब जब कोई भी टूर्नामेंट करवाते हैं या कहीं हम बाहर जाते हैं तो पहले चरणनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लेते हैं। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।